आज पूरी दुनिया में ड्रोन सबसे ज्यादा कौन बना रहा है और हथियार वाला ड्रोन और हम लोग अभी ब्याहो वाला ड्रोन वा नहीं बना पा रहे लोग चाइना के जहाज आएंगे से धमकी देने के लिए तो तिरंगा झंडा लहरा दिया गया काश करके चाइन तो भारत का है रही तो ये लोग पूरी दुनिया में जहां भी अगर खून बह रहा है तो उस खून बहने वाली गोली पर या तो रूस लिखा होगा या तो अमेरिका

वियतनाम कहता है कि मेरा है चाइना कहता है सबको फरिया लेंगे समझ में आएगी नहीं आ चाइना ने एक पॉलिसी पे बहुत जबरदस्त काम किया फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर जिस दिन आपके पास बहुत पैसा हो जाता है ना दिमाग वाले लोग आपके पास आ जाते हैं आपको क्या लगता है अंबानी और अडानी एमबीए किए होंगे सब कैटोट निकाला होगा सब नहीं कैट मैट तैयारी करके निकाल के आई ए एम एम बी ए करके खूब बढ़िया बढ़िया जाएंगे तो वहां नौकरी करिएगा समझाया कि नहीं गया तो चाइना ने ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से पता किया अब जैसे नेतवानों के पास को डिग्री रहता है बड़का आई ए एस बनिएगा तो सचिव बनिएगा उस सब अच्छा के आई एस में खूब अच्छा रैंक रहेगा ना और पंद्रह से बीस साल का एक्सपीरियंस रहेगा ना तो कोनो अंगूठा छाप मंत्री का सचिव बन जाएगा अब लो टुकुर टुकुर करते रहो चाइना को ये बात पता था कि सचुर अगर हमारे पास पैसा आ गया तब हम क्या कर सकते किसी को दबा देंगे तो 30 साल तक चाइना ने केवल पैसा पे काम किया दो उन्नीस से 2010 तक इस दौरान चाइना कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं कोई कुछ नहीं सारा ध्यान रखा पूरी दुनिया की फैक्ट्री को अपने पास बुला लाया कहा कि तुम्हें जैसा वर्कर चाहिए हम देंगे पेंटर चाहिए एक बार बोलो दो पेंटर हम दो पेंटर देंगे और कोनो नोटंकी किया कोनो खैनी बनाया को लात मार के भगा दो वहां पे कोई वर्कर अगर लेट आया तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है और हमारे यहाँ तो आधा घंटा लेट तो कंफर्म आएगा और उसके बाद आधा घंटा खैनी बना ये मेंटेलिटी खराब हो गई देखिए आपका अगर आठ घंटा वर्क है तो आप आठ घंटा वर्क कीजिए ये लेबर को सोचना चाहिए और मालिक को सोचना चाहिए कि उसका अगर जो मजदूरी बनता है उसका आठ घंटा एक मिनट पर उसकी सैलरी उसके हाथ में होनी चाहिए ये दोनों चाइना में है एट अ टाइम पेमेंट एट अ टाइम वर्क बहुत बेहतरीन और एकदम स्किल्ड वर्कर पूरी दुनिया में जो लेबर था सबसे सस्ता किसने दे दिया चाइन और पूरा लेबरों को कहा कि आपको ट्रेनिंग भी नहीं देना पड़ेगा इंडिया में फैक्ट्री खोलेगी कंपनी ना तो लेबर लेके फिर लेबर को क्या देना पड़ेगा ट्रेनिंग और उसके बाद हम लोग लोकतंत्र है एक दिन खर खराब हो जाएगा तो हमारी मांगे पूरी करो भागो हड़ताल तोड़ फोड़ चाइना में कुछ नहीं खाना खराब है तो खाओ वैसे ही कंपनी पूरी दुनिया की कंपनी कहाँ घुस गई सब और चाइना क्या हो गया पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब हाँ हो गया पैसा बहुत हो गया अथाह पैसा हो गया अब जब पैसा हो गया हथियार खरीद लिया नेवी बना लिया एयरफोर्स बना लिया इंजीनियर जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे दस लाख की सैलरी पे चाइना कहा हम बीस लाख देंगे जहाज छोट छोट चल आया सब कहा आ गया चाइना आज पूरी दुनिया में ड्रोन सबसे ज्यादा कौन बना रहा है और हथियार वाला ड्रोन और हम लोग अभी ब्याहों वाला ड्रोन वहां नहीं बना पा रहे है लोग समझ में आई कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत तो चाइना इस पर कब्जा कर रहा है अब ये लोग को यहाँ पूरा चाइना का कहना है कि बाढ़ में जाए दुनियादारी चाइना नक्शा दिखाता है लगभग साल पुराना उस नक्शा में लाइन खींचा है नौ कितना लाइन खींचा है है तो चाइना इसे कहता नाइन डैश लाइन क्या कहता है नाइन कहता है कि ये हमारा ये समुद्र नहीं है हमारा पोखरा है उच्च दक्षिणी चीन सागर को कहता है समुन्दर नहीं हमारा अंग है हमारा अपना है क्योंकि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से पूरा कंप्लीट समुंदर आपका नहीं हो सकता है महज 200 तक आप उसमें मछली पेट्रोल निकाल सकते हैं बाकी इंटरनेशनल हो जाता कहता है कि वो ठीक है ये नियम समुंदर पे लगता है ये समुंदर नहीं है ये मेरे देश का पानी है पोखरा है समझ गया कि नहीं अब यहां दिक्कत दक्षिणी चीन सागर पूरा पेट्रोल से भरा हुआ कौन सा लाइन है ये नाइन डैश लाइन नाइन लाइन कौन सा लाइन डैश डैश लाइन लाइन के अंदर जितना चीज आते हैं सब ये कहता है। अब वियतनाम जो था इसको पेट्रोल निकालने नहीं दे रहा था सब वियतनाम यहाँ निकालता था तो जाके मि मिसाइल से मार के गिरा देता था कौन चाइना उसका जहाजिए मार के गिरा देता था वियतनाम परेशान हो गया कहा कि गया जमाना जमा हो, होचिमीन जो सोच रहे थे कि मार के गया उस समय का टेक्नोलॉजी कुछ और था आज का टेक्नोलॉजी कुछ और है। आज हम नहीं करेंगे ड्रोने से बम गिराते रहेंगे वियतनाम अब कमजोर हो चुका है अब क्या करें तो भारत से संपर्क किया तो भारत ने कहा कोई बात नहीं हम पेट्रोल निकालते हैं आधा तुम आधा हम बाकी हम फरिया लेंगे उससे चाइना से फरिया लेंगे वहां हमारी ओ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओ गई और पेट्रोल निकाली चाइना के जहाज सर धमकी देने के लिए तो तिरंगा झंडा लहरा दिया गया, गया। तो भारत का है रही तो चले उधर से चल गया विक्रांत कौन चला गया आगे खड़ा हो गया हाउ आर यू निकलो यहाँ सोच रहे तो नहीं यहाँ पर विक्रांत पे लगा दिया गया है बराक मिसाइल अब एस फोर हंड्रेड आ गया वो भी लगा देगा और वो चार सौ किलोमीटर दूर से कहता है कि वापस जाओ तो ना जाएंगे फरियाले तुम तुम्हारा कंट्री है नहीं तुम दिखाओ कि तुम्हारा है वियतनाम का है हम वियतनाम से परमिशन लिए हैं अब वो भारत भी बड़ी होशियार है वो बिछवा में जाके नहीं निकालता है कि से निकालता है अब भाई आप पेट्रोल निकालेंगे तो घोर जगह का डगर के तो आइए जाएगा यहाँ पे क्या जरूरत हो जाए जीरीला भी ना यहाँ पर पेट्रोल निकल रहा है यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया पेट्रोलियम बहुत निकल रहा है तो भारत को हमेशा ऐसे अझुराने वाले में पड़ना चाहिए आप अमेरिका को देखिए ये लोग पूरी दुनिया में जहां भी अगर खून बह रहा है तो उस खून बहने वाली गोली पर या तो रूस लिखा होगा या तो अमेरिका ये सबसे बड़े लीबिया को तबाह कर दिया बर्बाद कर दिया सीरिया को लेके चला गया है यमन को लेके गया इराक को लेके चला गया अरे हम लोग को वहां से पेट्रोल मिलता था समझा अफगानिस्तान को लेके चला गया हम लोग को पेट्रोल मिलता था वहां से हम लोग को रोजगार मिलता था चक्कर में अब यहां से पेट्रोल कौन निकालता है अमरीका सीरिया से अमरीका इराक से अमेरिका समझ में आ आ गया गया किसी को कोई दिक्कत तो हम लोगों को भी ऐसे लड़ाई झगड़ा में पड़ना चाहिए तो नेवी ज्यादा रहनी चाहिए हमारे नेवी के पास पैसे नहीं है चाइना के पास बहुत हमारे यहाँ पैसा नहीं है इसीलिए अग्निवीर योजना है और कोई रीजन नहीं है केवल पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उनको पेंशन दिया जा सके इसलिए सारा बात घुमा फिरा के यही किया जा रहा है समझ में आ गया कि नहीं जैसे आपके पास पैसा नहीं है किसी के ब्याह में जाना है तो कह देते एग्जाम पड़ल है बेटा का कहां जाएंगे यहां जानते हैं बिया में जाएंगे तो न्यौता व्यवता देना पड़ेगा कपड़ा वपड़ा कुछ देना पड़ेगा तो सारा रीजन यही है पैसे नहीं है गवर्नमेंट तो पैसा के पे ना सोचिएगा हाँ ये मान के चलिए हमारे पास पैसा नहीं तो सोचेंगे ना पैसा आना चाहिए कि निकलना ही छोड़ देंगे घर से तो नेवी का एगो जहाज बनता है तब तक एगो रिटायर हो जाता है हमारे पास कुल ले लेके नौ से दस गो लड़ाकू पंडू हैं सब और उसके बाद बहत्तर गो है चाइना के पास बहुत आगे निकल गया तो हम लोग को खैर चाइना के पास दुश्मनी भी ज्यादा हम लोग की उतनी दुश्मनी भी नहीं है तो द्वीप और द्वीपलाइट द्वीप पर अधिकार कौन बताता है नाइन डैश लाइन किसका इससे अजुराने का एक -के तरीका है चाइना से जैसे वो कहे कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है भारत को विरोध ही नहीं करना चाहिए सीधे कहना चाहिए हिंद महासागर मेरा है समझ में आ गया ना अगर दक्षिणी चीन सागर तुम्हारा है तो हिंद महासागर मेरा है यह 150 साल पुराना नक्शा दे रहा है भारत सरकार आए हमारे पास हम तो और पुराना नक्शा बना देंगे नक्शा का तो हम स्पेशलिस्ट है ससुरा अंटार्कटिका दिखा देंगे भारत में और इसमें हम गलत नहीं बोल रहे हैं आज से 2.5 करोड़ साल पहले भारत मेडागास्कर भारत का हिस्सा था ढाई करोड़ साल बाद ये अंगारा गोंडवाना लैंड टूट के यहाँ आया है तो इस हिसाब से तो ये तो हमारा ही है नहीं समझ में आया हमारा पोखरा है किसका पोखरा है हमारा किसी को कोई दिक्कत आगे बढ़े चलिए अब ध्यान से देखते हम लोग ये आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं है नेचुरल आइलैंड पैरासेल आइलैंड और ये नेचुरल है तो दक्षिणी चीन सागर जो है वो चाइना कहता है चाइना की नजर सागर पे नहीं उस सागर में मछली बहुत ज्यादा है पेट्रोल बहुत ज्यादा है और गैस बहुत ज्यादा है और चाइना के लोग समुद्री ची को बहुत खाते हैं केकड़ा मगरमच्छ कछुआ कुत्ता चमगादर बिल्ली कुछ दिन में बाप को खा जाएगा सब <laughs> बाप डरे तो बीमार बाप डरे सूखता है कब काटेगा हमारा ले चल जाएगा तो यहाँ चाइना की नज़र है तो हम लोगों को घेर लेना चाहिए क्या चीज हेन क्या घेर लेना चाहिए ट्विटर पे मशरूम ट्रेंड कराया जाएगा अभी नहीं रे अभी नहीं फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम बिलोस्पर ये बात हमेशा याद रखिएगा पहले आप अपने को शक्तिशाली बनिए आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनिए देखिए शैक्षणिक रूप से तो आप शक्तिशाली हैं आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनिए तब जाके कुछ होगा समझा कि नहीं पैसा गया तो सब चीज चल गया इसलिए थोड़ा तो सा शक्तिशाली बनिए बाकी मशरूमन का धीरे धीरे इलाज होगा ऐसा नहीं है कि अब इसका इलाज नहीं हो मकड़ी कहाँ से चला है देहात में कहा जाता है कि मकड़ी आती है तो कपड़ा सिलाता है नया सुने लोग इससे फायदा क्या होगा ध्यान से समझिए अगर हम यहां पे कहने लगे कि हिंद महासागर अगर हमारा है तो पूरी दुनिया हमसे लड़ने आएगी तो हम लोग कहेंगे नहीं नहीं ना हमसे क्या लड़ रहा आप लोग जब चाइना को नहीं रोकिएगा तो हमें क्यों रोकेंगे अच्छा चाइना से झगड़ा करने के लिए देश आ जाएंगे सो अगल बगल यहां कोई है ये नहीं है माई बाप कोई नीचे कोई नहीं श्रीलंका बोलेगा श्रीलंका बोलेगा तो कुछ करना ही नहीं है बस एक हनुमान जी का फोटो ले जाना है उसको सब पुरान बात याद आ जाएगा <laughs> और कोई करना ही नहीं हनुमान जी का बड़का बैनर बनवा के टांग देना है याद है कुछ <laughs> आ, सोना का लंका था तो जल गया अब तो तुम वैसे ही कंगाल है अब कौन मैं टाइम लगेगा नहीं समझा उस समय राम जी की बनेरी सेना थी अभी हमारे पास भी बानेरी सेना है <laughs> अरे तुम लोग कम है क्या श्रीलंका के लिए हाँक देगा आदमी तो ऐसे ही लेकर चल आएगा गया। <laughs> तो इधर कोई बोलने वाला भी नहीं है अब इसमें फंस जाएगा कौन चाइना अगर चाइना का दक्षिणी चीन सागर है तो हिंद महासागर भारत का है अब पूरी दुनिया दबाव किस पे डालेगी चाइना चाइना का जाएगा मछली पेट्रोल गैस अब चाइना कहेगा कि भारत से कि क्या कर रहा है तुम इसमें तो कोई पेट्रोल वोट्रोल भी नहीं काहे रहा है तब हम कहेंगे कि कुछ याद है ये सीओ के कब्जा कि और याद रखो जब हम इस पे वापस लेंगे पीओ के तो तुम बीच में कुछ नहीं बोलना समझ में आएगी नहीं आ गया देखिए आप पागल कुत्ते से इंसानियत से बात नहीं कर सकते समझ में आ गया कि नहीं आ गया पागल कुत्ते से आप इंसानियत से बात नहीं कर सकते क्योंकि सुनने को तैयार तो ही नहीं है उसके लिए चाहिए लाठी रेबिज वैक्सीन यही है वैक्सीन और इंडियन नेवी है लाठी आप सोचे फरिया लेते हैं यहां पर पूरी दुनिया का व्यापार है ब्लॉकेज हो जाएगा ट्विटर पर मशरूम नहीं नहीं अभी मशरूम नहीं मशरूम सबको छोड़ दो अभी अभी किस पे ध्यान दो पढ़ाई पे आगे बढ़े जब समय आएगा मशरूम निकलेगा सब ना तब तो हल्ला किया जाएगा मशरूम मशरूम अभी नहीं मशरूम जजा <laughs> आगे बढ़े